हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज बनाएंगे हम चॉकलेट कपकेक। सबसे पहले मैंने ओवन को ऑन किया है और उसको मैं 180 डिग्री पे करूँगी प्री हीट। मेरा सैमसंग का ओवन है, कन्वेक्शन मोड इस पर सेलेक्ट करके मैं इसको 180 में 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हम करेंगे अपनी कपकेक का बैटर बनाने की प्रिपरेशन। ये देखिए, सबका ओवन अपना अपना होता है, तो आप अपने ओवन को अपने अकॉर्डिंग 180 डिग्री पर सेट कर दीजिए। 10 मिनट के लिए उसको प्री हीट करिए। अब इसको प्री हीट करने के लिए 10 मिनट मेरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी, ये मेरा हो जाएगा प्री हीट। अब हम करेंगे अपनी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक पैन। एक्चुअली बाउल आज मेरा भी नहीं था, तो मैंने इसको पैन में यूज किया हुआ है। सो सबसे पहले हम लेंगे हाफ कप मैदा। ये मेजरमेंट कप है, ये एक कप का है साइज़। इसमें मैंने हाफ कप मैदा लिया हुआ है। आप इसकी जगह आटा भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको लेना है। सबसे पहले इसको हम जितने भी ड्राई आइटम है छान लेंगे। बिना छाने हमें कोई भी आइटम इसमें यूज़ नहीं करना है ड्राई वाला, ये तो उसे लम्ब्स बन जाते हैं हमारे बैटर में। तो इस तरह कोई भी छन्नी हो आपके पास, आप उसमें इसको छान लीजिए। कोशिश करिए आपके पास जो बर्तन हो वो मिक्सिंग वाला थोड़ा बड़ा हो, मेरा छोटा है तो जिससे बाहर निकाला है। अब जितना मैदा लिया है उससे ही हाफ लेंगे हम चीनी। हाफ कप मैदा था तो 1/4 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की। चीनी पिसी हुई है, ये मेरी घर में पिसी हुई चीनी है। आप चाहें तो इसमें बूरा शक्कर भी ले सकते हैं। इस तरह इसको छान लेंगे। फिर ऐड करेंगे हम अपने इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने 1 TSP लिया हुआ है। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें 1/4 बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें कम यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। एंड 2 TSP यूज़ करेंगे इसमें कोको पाउडर। क्योंकि चॉकलेट कपकेक है इसलिए इसमें मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। आपको वनीला कपकेक बनाने हैं तो आप उसको उसमें आप कोको पाउडर को ऐड मत करिए, वनीला एसेंस डाल दीजिए। बाकी सारा मटेरियल ऐसे ही रहेगा तो आपके वनीला कपकेक हो जाएंगे। पाइनएप्पल एसेंस यूज़ करेंगे तो पाइनएप्पल कपकेक हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपना वनीला एसेंस 1 TSP। और चीनी का भी आधा यूज़ करना है मुझे, दही 1/4 का भी आधा मैंने इसमें दही यूज़ किया। दही मेरी घर की दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और फिर यूज़ करेंगे जितना दही है उतना ही रिफाइंड, मतलब कि 1/4 से भी आधा 1/8 रिफाइंड यूज़ करेंगे, रिफाइंड ऑयल। बस इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। दूध हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। ये मैंने दूध ऐड किया, दूध मेरा 1/4 कप ही यूज हुआ है इसमें। दूध आपको थोड़ा थोड़ा डालना है क्योंकि दही आपका पतला होगा तो बैटर अपने आप पतला हो जाएगा, इसलिए दूध का कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है इसमें। मैं जैसे बनाती हूँ मैं दूध लास्ट में ऐड करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि बैटर आपका कितना थिक होना चाहिए। ये देखिए, इसको ज़्यादा तेज़ नहीं मिक्स करना है, बस ऐसे ऐसे हल्के हाथों से ही इसको मिक्स कर देंगे हम। मिक्स होने के बाद ये मैंने कपकेक मोल्ड लिया हुआ है। ये देखिए, बैटर ऐसा होना चाहिए, आपको एकदम से गिरना भी नहीं चाहिए, इसलिए दूध थोड़ा हिसाब से ऐड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और आपको वनीला कपकेक बनाने तो आप उसमें कोको पाउडर मत डालिए। ये है मेरा कपकेक का लाइनर, इसे मैंने अपने कपकेक के रैपर डाल दिए हैं। और चॉकलेट कपकेक है तो मेरे पास चॉकलेट नट्स रखे हुए थे, तो थोड़े से मैंने इसमें चॉकलेट नट्स ऐड किए। और इस तरीके करके हम अपने लाइनर में इसको पोर करेंगे। इनको हाफ हाफ पोर करना है, जैसे कि बेकिंग होने के बाद ही अपने आप साइज़ में डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ मैंने नट्स इसके अंदर डाल दी हैं और कुछ मैं इसमें इस तरीके से सारे हम लाइनर में अपने बैटर को फिल कर देंगे। जो बैटर बचा है अभी मैं दोबारा लगाऊंगी, हालांकि उतने फूलेंगे नहीं, बट उसको फेंकना नहीं है, आप उसको अपने यूज़ के लिए बना सकते हो। और नीचे कपड़ा रख के इसमें हम करेंगे टैपिंग। टैपिंग करते समय हमें इसको ज़्यादा मोल्ड को उठाना नहीं है, बस हल्का सा ऐसे टैप करना है। देन इसमें हम थोड़े से ऊपर से नट्स ऐड कर देंगे, जिससे कि देखने में हमारे चॉकलेट कपकेक बहुत ही यम्मी लगेंगे। और मेरा ओवन जो है वो प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अपना ये मोल्ड रखूँगी और मैं फिर से 180 डिग्री पर ही इसको 13 मिनट के लिए स्टार्ट कर दूंगी। 13 मिनट में मेरे चॉकलेट कपकेक रेडी हो जाएंगे। और आप अपने ओवन में एक बार 10 मिनट या 12 मिनट सेट करके देखें, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मेरे ओवन में मुझे 13 मिनट लगते हैं इसको चॉकलेट कपकेक को पकाने में, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने ओवन में चेक कर सकते हैं, ठीक है।
ये देखिए मेरे कपकेक बनके 13 मिनट में रेडी हो चुके हैं। तो इसको आपको किसी कपड़े की हेल्प से या आपके पास ग्लव्स हैं ओवन वाले तो फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनको बाहर निकाला है, बहुत ही यमी डिलीशियस हमारे कपकेक रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम टूथपिक की हेल्प से जहाँ पे चॉकलेट नट्स नहीं होंगे वहाँ पे इसको हम पिन करके ऐसे चेक करेंगे कि हमारा कच्चा तो नहीं है कहीं से भी। हमारी यदि पिन बिल्कुल क्लियर है इसका मतलब कि हमारे कपकेक बिल्कुल परफेक्ट बेक हुए हैं। ये देखिए कपकेक बन के हो गए तैयार। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।